करेंगे। गिरफ्तार साबिक वफाकी वजीर कामरान माइकल से अहले खाना की नैब ऑफिस में मुलाकात। मुलाकात दो घंटे तक जारी रही। साबिक वजीर को पीर के रोज कराची मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे राहिल सैयद से। जी राहिल, बताइएगा कि राहदारी रिमांड के बावजूद कराची क्यों ना ले जाया गया? जी कराची उनके ना ले जाने की वजह ये थी कि आज उन्हें सीट जो है नैब की टीम को जो है वो मिल नहीं सकी थी, जिसकी वजह से वो कराची आज रवाना नहीं हो सके। कल क्योंकि नैब ऑफिस की छुट्टी है तो कहा यह जा रहा है कि सोमवार वाले दिन जो है उन्हें कराची के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन कोशिश ये भी की जा रही है कि कल ही अगर सीट अवेलेबल हो तो उन्हें कल ही कराची रवाना कर दिया जाए। दूसरा जो है उनकी फैमिली ने मुलाकात की, दो घंटे तक जो है कामरान माइकल की अहलिया उनके बच्चे जो है नैब ऑफिस में उन्होंने मुलाकात की। उस हवाले से जराय का कहना ये है कि जो जरूरियात थी उनकी कामरान माइकल की, जो कुछ अद्वियात थी और उनके कुछ बिस्तर वगैरह थे वो उन्हें जो है फराम किए गए, जबकि कुछ जो है कपड़े जो थे उस वो भी इस सामान में शामिल थे। जराय का कहना यह है कि अब कोशिश ये की जा रही है कि कल ही अगर उनको सीट मिलती है तो यहाँ से उनको कराची रवाना कर दिया जाए, क्योंकि उनके ऊपर जो केस है वो कराची में है, अलॉटमेंट का केस है। शिपिंग कॉर्पोरेशन में जो है उन्होंने अलॉटमेंट किया गलत, तो कहा यह जा रहा है कि मनपसंद लोगों को जो है प्लॉट दिए गए थे। इस वाले से नैब ने तहकीकात की थी कराची नैब ने, और जो एक रोज कबल जो है कराची और नैब लाहौर की टीम ने मिलकर जो उन्हें जो है गुलफिशा टाउन लाहौर से गिरफ्तार किया था। अब देखते ये है कि कल वो रवाना हो सकते हैं कराची या नहीं, या उन्हें पीर वाले दिन ही जो है नैब की टीम जो है लेकर रवाना होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से आगाह करने के लिए राहिल।